क्या कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के बजाय आग लगा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंसुलेटर पर रगड़ा खाते हुए स्टैटिक चार्ज बनाते हुए ब्लास्टिंग ट्यूब में धमाका करती है। स्पार्क पैदा करने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो सड़क पर ज्वलनशील पदार्थ को लेकर जाते हुए ट्रक अपने आप को उड़ने से कैसे बचाते हैं? क्योंकि वो भी तो लगातार धूल और हवा के साथ रगड़ा खाते हैं। तो इसके लिए ट्रक के पीछे बहुत सारी चेन लटकी होती है जो लगातार बनते हुए स्टैटिक चार्ज को जमीन में ट्रांसफर कर देती है। और ये स्टैटिक चार्ज ट्रक के हवा और धूल के साथ रगड़े ही नहीं बल्कि उसके टायर की वजह से भी पैदा होता है। पर मान लो अगर पूरी तरह से चार्ज जमीन में ट्रांसफर ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ट्रक और उसके टैंक को तार की मदद से एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। पर हवा में उड़ता हुआ प्लेन भी तो स्टैटिक चार्ज बनाता है और वहां कौन सी चेन लटकेगी? हाँ जी, अगली वीडियो उसी पर है। और अगर आपको पता है तो थोड़ा सा ज्ञान कमेंट में बांट दो।